मीटिंग अभी खत्म हो चुकी है किसान नेताओं और सरकार के बीच में। ये देखिए बस में अब जो किसान नेता है वो बैठ के वापस जा रहे हैं। 15 तारीख की तारीख दी गई है सरकार के द्वारा फिर से अगली मीटिंग के लिए। कई सारे किसान नेताओं से बात करने की मैं कोशिश करूंगा और क्या कुछ आज नया रहा मीटिंग में उस पर बात की जाएगी। हमारे साथ सतनाम सिंह सानी जी हैं। अभी अभी ये जो सरकार और किसान नेताओं के बीच में वार्तालाप हुई थी उससे निकल के बाहर आए हैं। क्या कुछ रहा आज नया कि वही पुराने? आज की मीटिंग जो सरकार के साथियों बेसिटा रही उसमें कोई नतीजा नहीं आया। सरकार इसी गल पर अड़ी हुई है कि एक कानूनों को हम रिपील नहीं करेंगे, इसको रद्द नहीं करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हम तैयार है, चर्चा के लिए कोई किसान तैयार नहीं है। चर्चा 3 महीने से हम कर रहे हैं। मानयोग सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं कि देश का किसान सड़कों पर रो रहा है, इतनी ठंड में मर रहा है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेके सरकार को इमीडिएटली को आदेश दे कि तीनों खेती कानून तुरंत कैंसिल किए जाए। 15 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है फिर से, तो आपको उसमें क्या उम्मीद लगती है? आज आपको क्या बॉडी लैंग्वेज देख के क्या लगा कि सरकार जो बुलाई है उसमें भाग लेना या नहीं लेना? वो किसान जथेबंदियों की हमारी 10 तारीख को मीटिंग होगी, अभी कंफर्म नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे 15 तारीख की मीटिंग की नहीं करेंगे। परसों को 10 तारीख की मीटिंग में तय होगा, फिक्स होगा। ठीक है जी, 10 तारीख को किसानों की मीटिंग होगी, उसमें मीटिंग के बाद ऐलान होगा कि इस मीटिंग में आना है या नहीं आना है। सरकार को चाहिए सरकार पहले सिंसियर होए, किसानों के मसले के लिए सरकार संजीदा होकर आगे कदम उठाए। संत गुरुओं को अप्रोच कर रही है सरकार? देखो, सरकार लोगों ने चुनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ड्यूटी है। साधु संत ठीक है, सभी धर्मों के साधु संत सत्कार है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी ड्यूटी जो अदा कर रहा की बात कर रही है। आप लोग का कुछ क्या बात है? इसमें कौन सा कश्मीर का मैटर है? सरकार ने कानून बनाए हैं, किसानों को स्वीकार नहीं है, सरकार उसको रद्द करे। कुलदीप सिंह जी आप बताइए सर, ये जो मध्यस्थता की बात सरकार अपनाने की कोशिश कर रही, मध्यस्थता की बात कर रही, इस पे क्या रुख रहेगा किसान नेताओं का? देखो, किसान लोग ये कह रहे हैं भी हम तक किसानी कर रहे हैं, जो खाने वाली किसान बंदे है या पब्लिक है या आम जनता साड़ी भी जो कुछ असी पैदा करते हैं आने वाले बंद चीजा जो भी है वो सस्ते पाते मैन ते, पर हले जो आम दुनिया हैगी यही समझती है भी खरे किसानों वास्ते, किसान अपनी जमीन वास्ते लड़ता है पर अपनी जमीन वास्ते नहीं लड़ रहा, किसान आम दुनिया ले लड़ रहा है। क्या पता भाई कि सरकार कहाँ को निकल जाए, बहुत दरवाजे सरकार के निकलने के। और जनवरी 26 तारीख को जैसे के राजस्थान बॉर्डर पे लाठीचार्ज, तो क्या तिरंगे झंडे पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले फेंके सर? इन्होंने पहले तिरंगे पे भी बिल्कुल कर दिया, दिल्ली पर रोड पे जो लाठीचार्ज हुआ 3 दिन पहले आंसू गैस और जो एक्सपायर जो है टीयर गैस मिर्ची गैस छोड़ी गई है वो सारा कुछ तिरंगे पे तो चला। इनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उसकी फोटो भेजो सुप्रीम कोर्ट पर, वहाँ पे तिरंगे का अपमान किसने कराया तो रिपोर्ट दर्ज होगी। हमारे साथ जय किसान आंदोलन के स्टेट पर्सन लवप्रीत सिंह जी हैं। क्या कुछ रहा आज की मीटिंग में, इनसे बात करते हैं, समझते हैं क्या रहा आज की मीटिंग में, कुछ नया दिखाई पड़ा आप लोग को कि सब कुछ वही पुराना? जी हमारी तरफ से तो जो पहले से हम कह रहे हैं बार बार सरकार को, चाहे हम हमारे से लिखित में भी जब भी सरकार ने मांगा और वैसे भी मीटिंग्स में भी हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये तीनों कानून जो है वो रद्द होने चाहिए, क्योंकि हम इनको अपनी मौत का वारंट कहते हैं, तो मौत का वारंट आधा वापस नहीं हो सकता है किसी भी तरह से। लेकिन सरकार है जो वो कहती तो है, वो बयान तो देती है कि हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब मीटिंग में अंदर की बात होती है, अंदर बात करने का वक्त आता है, तो तब उनका जो खुला मन होता है बयानों में वो बिल्कुल सुंगड़ जाता है, वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, और तब वो जो है वो बिल्कुल अपना पुराना राग अलापते हैं। और आज भी जो उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां कमेटी बन जाएगी, उस रूप में हो जाएगा, तो हमने कहा कि आपने कानून बनाए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों करें, आपने कानून बनाए तो आप रद्द कीजिए, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट को लाके बात को लंबा क्यों खींचना चाहते हैं, बात को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब सरकार की मंशा ये है कि इन लोगों को थका दिया जाए और इन लोगों को और ताकि लोगों में निराशा फैल जाए, लेकिन हम बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट हैं और हमारे जितने भी लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं वो इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्योंकि हमारी हम समझते हैं कि हमारे अस्तित्व की ये लड़ाई है, अगर ये लड़ाई हम हार गए तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा हमारी जमीनें, हमारे खेती, हमारे पूरा जो गाँव का मॉडल है उस पूरे के पूरे को कॉरपोरेट को देने के ये कानून है। तो 15 तारीख को फिर से बुलाया गया आप लोग को, क्या लगता है आज का बॉडी लैंग्वेज देख के आप लोग को 15 तारीख तक कुछ नम पड़ेंगे, मानेंगे कुछ? जी हम तो उम्मीद ऐसे ही करते हैं, हम तो आज भी यही उम्मीद लेके आए थे, लेकिन ये नहीं करते हैं तो फिर हमारी तैयारी है 26 तारीख को। हमें लगता है कि अगर ये 15 तारीख को भी इनका यही रवैया रहेगा तो फिर जैसे 15 तारीख को जवान की परेड लाल किले पे देखी जाएगी तो फिर दिल्ली में किसान की परेड भी हम समझते हैं कि वो करने के लिए
लिए तैयार हैं, फिर उस दिन हम बताएंगे कैसे भी आंदोलन होता है। किसान नेताओं से बातचीत करने के बाद ये कहा जा सकता है कि किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी संभव नहीं है। 26 जनवरी की तैयारी के में लगातार किसान जुटे हुए हैं। कल ट्रैक्टर मार्च भी हुई थी और ट्रैक्टर मार्च में किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है सरकार को कि कितने कितने सारे ट्रैक्टर इकट्ठे हो सकते हैं 26 जनवरी की मार्च में और उनकी क्या ताकत है। किसानों ने अपनी ताकत सरकार को दिखाई है ट्रैक्टर मार्च के जरिए। अभी विज्ञान भवन में मीटिंग समाप्त हो गई, 15 तारीख को फिर डेट दी गई है। साथ ही साथ मध्यस्थता करने के लिए सिख गुरु बाबा लखा सिंह को अप्रोच किया जा रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा कुछ मध्यस्थता करके किसान नेताओं को जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको संतुष्ट किया जाए और आंदोलन को समाप्त किया जाए। लेकिन किसानों का साफ रुख है कि किसी भी सूरत में जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। लेकिन सरकार ने भी आज की मीटिंग के दौरान ये इस बात को साफ कर दिया कि बिल वापसी नहीं होगी। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी और समय बताएगा कि बिल वापसी होगी कि किसानों की घर वापसी होगी। क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।